सो मूव करते हैं लेंस की तरफ। लेंस क्या होता है? लेंस जो है वो कर्व पीस होता है ग्लास का और किसी और ट्रांसपेरेंट मटेरियल का, ठीक हो गया, जो कि किस लिए यूज़ किया जाता है? लाइट को रिफ्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रिफ्रैक्ट क्या होता है, ये रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में क्या फ़र्क है। एक होता है रिफ्लेक्शन, जिसमें एल होता है RefleCTion। रिफ्लेक्शन में क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट होती है, जिसमें आपके पास किसी भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल पे लाइट जब स्ट्राइक करती है, मोस्टली हम मिरर्स की बात करते हैं, तो स्ट्राइक करने के बाद वो बाउंस बैक हो जाती है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं। जबकि रिफ्रैक्शन की बात करें या रिफ्रैक्ट की बात करें, तो वहाँ पे ये होता है कि कोई भी आप जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल ले रहे हैं जिसमें आप लाइट पास करेंगे, तो लाइट पास हो जाएगी, बाउंस बैक नहीं होगी, लेकिन वो पास होने के बाद बेंड हो जाएगी, ठीक है। वो इनवर्ड बेंडिंग भी हो सकती है, वो आउटवर्ड बेंडिंग भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि हमने जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल लिया है वो कैसा है, ठीक हो गया। लेकिन होपफुली यहाँ पे आपको रिफ्रैक्शन का प्रोसेस, ये फिनोमेना क्लियर होगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब लेंस की तरफ आते हैं। ये एक पीस होता है कर्व और पॉलिश ग्लास हो सकती है, ठीक है, जो कि ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, ठीक है, दैट फॉर्म्स एन इमेज बाय रिफ्रैक्टिंग एंड फोकसिंग द लाइट पास थ्रू इट, जो कि क्या करता है? इमेज फॉर्मेशन करता है, ठीक है। जब हम उस ट्रांसपेरेंट मटेरियल में से या उस ग्लास में से या उस कर्व पीस में से लाइट पास करते हैं, तो लाइट पास होने के बाद क्या होती है? बेंड होती है, ठीक है। वो बेंड भी हो सकती है, वो इनवर्ड बेंडिंग भी हो सकती है, वो आउटवर्ड बेंडिंग भी हो सकती है, और एज अ रिजल्ट क्या होता है? इमेज फॉर्मेशन होती है, ठीक हो गया। ये हम इंशाल्लाह इसी चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे इमेज फॉर्मेशन होती है, क्या प्रोसेस वगैरह होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ लेंसेज की। तो याद रखिएगा, लेंस की दो मेन टाइप्स हैं। एक आ जाता है कन्वर्जिंग लेंस और दूसरे आ जाते हैं डाइवर्जिंग लेंस, ठीक हो गया। सबसे पहले बात करते हैं कन्वर्जिंग लेंस की, ठीक है। कन्वर्जिंग लेंस को हम कन्वेक्स लेंस भी कहते हैं, ठीक हो गया। वो लेंस जो कि क्या होते हैं, सेंट्रल पार्ट से, जैसे यहाँ पे आपको शो हुआ हुआ है, सेंट्रल से क्या है? थिक है, जबकि आउटर जो इसके एजेस हैं वो क्या हैं? थिन हैं, पॉइंटेड हैं। तो इस लेंस को हम क्या कहते हैं? कन्वेक्स लेंस कहते हैं, ठीक हो गया। जिनका सेंट्रल पार्ट क्या होता है? वो थिक होता है, और जो आउटर एजेस होते हैं वो क्या होते हैं? थिन होते हैं। ऐसे लेंस को हम बोलते हैं कन्वेक्स लेंस, या इसका दूसरा नाम आ जाता है कन्वर्जिंग लेंस। कहीं भी आपसे ये भी पूछा जा सकता है कन्वर्जिंग लेंस कौन से होते हैं, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना, कन्वेक्स लेंस का ये सेकेंड नेम क्या है? कन्वर्जिंग लेंस है, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कन्वर्जिंग लेंस। हम टाइप्स के बारे में इतनी डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको सिर्फ बता देती हूँ कि टाइप्स कौन कौन सी हैं। कन्वेक्स लेंस की या कन्वर्जिंग लेंस की थ्री मेन टाइप्स हैं। एक आ जाता है डबल कन्वेक्स, प्लानो कन्वेक्स, कनकेव कन्वेक्स। अब आपको इसमें समझ क्या आ रही है? देखें, तीनों हैं तो कन्वेक्स लेंस, तीनों के एंड क्या हैं? पॉइंटेड हैं, लेकिन सेंटर पार्ट क्या है? थिकर है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे कन्वेक्स लेंस दोनों साइड में, लेफ्ट और राइट साइड में एक साथ जैसे जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसे हम कह रहे हैं डबल कन्वेक्स लेंस। यहाँ पे सेंट्रल जो पार्ट है, सेंट्रल में एक स्ट्रेट लाइन है, और साइड पे जो है वो कन्वेक्स लेंस बना हुआ है, जिसका सेंट्रल पार्ट थिक है और एजेस क्या हैं? थिन है, तो इसे हम प्लानो कन्वेक्स कहेंगे, ठीक है। जबकि ये कनकेव है, केव का मतलब, कनकेव का मतलब क्या होता है? एक इनवर्ड सी पोजीशन होती है, ठीक हो गया, एक केव लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो वहाँ पे क्या होता है? इसकी इनवर्ड बेंडिंग हुई हुई है, लेकिन है तो ये कन्वेक्स लेंस, दैट्स वाई हम इसे क्या कहते हैं? कनकेवो कन्वेक्स लेंस, ठीक हो गया। तो ये मेन आ जाती है कन्वेक्स लेंस की टाइप्स। अब बात करते हैं डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस की बात करें तो ये भी लेंस की सेकेंड टाइप है, और इसका सेकेंड नेम आ जाता है कनकेव लेंस, ठीक है। हर वो लेंस जो कि सेंट्रल, जिनका पार्ट होता है वो जो मिडल से क्या होते हैं? थिन होते हैं, जबकि उनके एजेस क्या होते हैं? थिक होते हैं। यानी कि अगर हम कन्वेक्स लेंस की बात करें तो कन्वेक्स लेंस के ऑपोजिट जो लेंस आ जाते हैं वो क्या होते हैं? कनकेव लेंस होते हैं, जिन्हें हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, जिनका सेंट्रल जो मिडल पोर्शन होता है वो थिन होता है, थोड़ा सा इनवर्ड होता है, जबकि जो आउटर एजेस होते हैं वो क्या होते हैं? थिक होते हैं, ठीक है, वो थोड़े से आउटर साइड पे निकले हुए होते हैं, बाहर की तरफ से निकले होते हैं, ठीक है, एजेस जो है वो थोड़े से थिक होते हैं। तो ऐसे लेंस को हम क्या कहते हैं? कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस कहते हैं, सॉरी, ठीक है। तो रिवाइज कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ लेंस कितनी हैं। दो टाइप्स ऑफ लेंस हैं, ठीक है, कन्वेक्स लेंस जो कि सेंट्रल से थिक होते हैं, एजेस से थिन होते हैं, जबकि कनकेव लेंस की बात करें, डाइवर्जिंग लेंस जो कि सेंट्रल से थिन होते हैं और एजेस उनके थिक होते हैं, ठीक है। और इन दोनों लेंस को हम यूज़ करते हैं रिफ्रैक्शन के प्रोसेस के लिए। जब इनमें से लाइट पास की जाती है, तो वो लाइट फोकल पॉइंट से होके
इमेज की फॉर्मेशन करती है। इंशाल्लाह होपफुली यहाँ तक आपको क्लियर होगा। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे कि आया फोकल पॉइंट क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है वगैरह, ठीक है, और कैसे इमेज फॉर्मेशन होती है। यहाँ तक अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।